टक्कर दी है। अबे तुम्हें किससे पता चला? लखन ने बताया मुझे। ओए मैंने बताया तुझे? लखन यार शाम तक खींचना था। नीतू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं नीतू के साथ प्रैंक। आपने सही सुना है, बिल्कुल हम करने जा रहे हैं नीतू के साथ प्रैंक। पुनीत कुछ बताओ। करेंगे। अरे ब्लड कहाँ लगता है प्लास्टर में? ये देखो नीतू गई है योगा करने, तब तक हम प्लान करेंगे उसके साथ कैसे प्रैंक किया जाए, क्योंकि लखन तो कर नहीं सकता था, वो पकड़ लेती। समझ रहे हो? पर मेरी हंसी ना निकल जाए, बस मुझे इस बात का डर है। और ये पागल लोग प्लास्टर के ऊपर ब्लड लेके आ रहे हैं। जरा दिखाना, सैंडी फोकस कर जरा रोहित पे। अब इसको ना ऐसे ऐसे करके हल्का-हल्का लगा लो। ऐसे लग रहा है मेरे हाथ और पैर का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया है। सच में यार बहुत थका सा लग रहा है हाथ। सरकू इधर को सरकू उधर को सरकू। एक मिनट रुको जल्दी। अच्छा एक बात बताना, किसके प्लास्टर के ऊपर ब्लड होता है? मतलब कुछ भी नहीं, रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं। बताओ पुनीत कुछ बताओ, जोक वोक मारो। अभी तो यही तो तुम पकड़े जा रहे हो, रियलिस्टिक कैसे लगेगा? जब हाथ टूटा है तो ब्लड कैसे आया? अंदर से आ रहा है ना, प्लास्टर फट गया। क्यों नहीं आ सकता हाथ टूटने में? ब्लड क्यों नहीं आ सकता भाई? यहाँ चोट भी तो लगी है। यही अबे नीतू आ जाएगी, जल्दी कर लो यार। तो नीतू आ चुकी है और अब करना है मुझे इसके साथ प्रैंक। अभी तक मैंने ये पहना हुआ है, तो मैंने ड्रेस के ऊपर से ये पहन लिया है और मुझे ऐसे रिएक्ट करना है कि कार से नहीं बुलेट से लगी है। मैं बुलेट चला रही थी तो हम वो वाला प्रैंक कर रहे हैं। हल्का हल्का सा सच बोलो मेरा दर्द भी होने लग गया, इतनी टाइट पट्टी बांधी है। तो नीतू आ रही है, जब मैं लेटती हूँ। अभी वो लखन के साथ बाहर सोफे में बैठी है। उठ जाओ। कोई नींद की दवाई थोड़ी खाली है? और तुझे क्या लगा जब मैं कह रहा हूँ? तू हर चीज को इतने हल्के में लेती है। ये क्या लग गया इसके? अबे लगा नहीं, बुलेट करके ऊपर हीरो बननी थी मैडम, बुलेट चला के दिखाई थी। बुलेट मेरी आज बुलेट वाली रील देख ली, खुद ही बनाने गई थी। रील के चक्कर में हाल हुआ है। गाइस आप लोग देख लो, अगर आपको भी सोशल मीडिया का इतना कीड़ा है तो कभी भी अपनी जान रिस्क में मत डालो एटलीस्ट। अरे यार ऐसे कैसे गिरी, कहाँ पर गिरी? यार हम नंद भाभी का नहीं कर रहे थे हम लोग। हां उस चक्कर में हो गया मुझे लगता है। क्यों मैं तो जिम में थी, नंद भाभी तक कहां बन रही थी? अब रील बन रही उसी वाले फ्रेम में, भाई वाले फ्रेंड में भी तो सेम नहीं हो रहा है। नहीं और मम्मी को बताओ ना, ये बता यार ठीक है वो भी मेरे। तो ऐसे कहते हैं जो ठीक आती है तो बुरा काम होता है। बुरा काम हो गया अभी तक। अरे दिख नहीं रहा प्लास्टर है ये, क्या लग रहा था तुम्हें? प्लास्टर वो सो गया, सो लगा तो नहीं। कहीं खड़ी हुई हो नीतू, तेरे में बिल्कुल अकल नहीं है क्या यार? दर्द हो रहा है मेरे पैर में, ज्यादा दर्द है मेरे हाथ से। दवाई ली तुमने? वो तो गिर पे लगा था, करके घुटने में लगी है। अबे घुटने में लगी, बाइक क्या गिरी थी पागल? दो जनों ने उठाई है, बिल्कुल बाइक ऊपर गिर रखी, बाइक के नीचे। कहां लेके गई तू बाइक को? लेके कहां पाई, उठाई हुई थी बेचारी, नीचे गिर गई यार। पागल बुलेट चलाना इतना इजी थोड़ी है। दवाई ले ली? हां ये पट्टी कहां से लिखवा कर आए? अरे नहीं नीचे गल पे लॉक करो। एक बात बताओ, उससे नींद आ रही है? तुझे सोने दे। मेरा वीडियो कैसे बनाएंगे? अरे इसकी बना ले भाई, सबसे बढ़िया। तो लेटे आपको उठ नहीं पा रही, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है पैर है ही नहीं। कौन सा वाला? इस पे लगी है। बेटा अपनी हरकत सुधार नहीं, ये जो बात तुमने बोली से होने में जाता है लगेगा नहीं। पागल हो गया। अरे भाई उनको बोल रिस्क ना ले अपनी जान से। मैं तेरे को अभी मजाक सुन रही हूं, सच में दर्द हो रहा है यार, सच में। अलगन तुम अभी भी कैमरा लेके खड़े हो, बंद कर दो। अभी तो बना रहा हूं इन्हीं चीजों को, यही तो हमने व्यूज देके जाते हैं। ब्लॉग डालूंगा पूरम का हुआ एक्सीडेंट। यार सच में तो दर्द हो रहा है बहुत। डॉक्टर ने क्या बोला? इंफेक्शन वगैरह भी हो जाता है जिससे पैर काटना पड़ता है। अरे पागल है। नहीं वो सेप्टिक लगते हैं, सेप्टिक वाले इंजेक्शन लगते हैं, वो हाथ में लगते होते हैं। कितने इंजेक्शन लगते हैं? तो मुझे फोन में क्या बोला था, मुझे आवाज नहीं आई थी। मैं फोन में तो यही कह रहा था कि घर आ जा, पूनम दीदी गिर गई। अब छोड़ से लग गया, छोड़ पागल, चल भाग। सॉरी यार पूनम, दो बार लग गया इसमें आ गया, सॉरी। चला जा तू बाहर, तो चल नहीं तो मैं तो खा ले यार, अभी नींद की दवाई दिया जा तू, चला बाहर आ जा। अरे अभी नहीं ना, अरे तुम नहीं इसको कहना, नहीं तो छोड़ दे आ जा। चला अपनी वीडियो बनाते हैं। पागल हो गया भाई, ऐसे ही होगा जब अपना ख्याल नहीं रखोगे और ज्यादा हीरो बनोगे। तेरा फोन कहां है? ले आइसक्रीम खा ले, अच्छा लगेगा तुझे। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरे ढीले का मन नहीं है। ले मैं खिला दूं। अरे नहीं यार ढीले का मन नहीं है ना, मैं खाऊं। खा तो तुझे गर्मी में थोड़ी नींद आ गया, प्लीज चली जा। होया लेकिन यार तू बुलेट भी चला, तूने आज तक नहीं चलाई तो मैं इसलिए ट्राई कर ली तूने। यार पागल है क्या? तुझे किसी को नहीं बताया? मम्मी और दीदी को? किसी को नहीं पता। मम्मी कौन बोलियो? बूजी माना था तो तेरे पट्टी लगी, बूजी को भोंकते था, इसको तो इंजेक्शन भी लगा है यार। मम्मी को पता चलेगा, मम्मी तो तुझे बुला लेगी वहीं पर। अरे तो उल्टी सीधी हरकतें क्यों करती है? अरे मैं तुझे, मैं भी एक रील बना लूंगी यार, सब बनाते हैं बुलेट में यार, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। पागल है यार। मम्मी को क्या बोलेगी आप? जाने वीडियो बना ले। अब मेरा मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का यार, कुछ ना कुछ रोए जा रहा है। अरे यार पहले कार पे नजर मारती किसी ने, अब यार वीडियोस कैसे बनेगी? चल भी नहीं मारी है पारी, मुझे हाई ब्लड का शुगर हो रहा है, चक्कर में मुझे ऐसा हो रहा है कि चक्कर में थोड़ा ज़्यादा। कुछ खाया तूने? हाँ हाँ खाया। मैं चेंज करती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। ठीक है कि कुछ चाहिए हो तो मुझे बोलती हो। हाँ मैं ठीक है। कुछ खाने वाले थे? नहीं। पेट में भी दर्द हो रहा है यार। लखन डॉक्टर ने क्या बोला है? मुझे टेंशन सी हो रही है। तू अभी तक यही खड़ी है, क्या हो गया? अरे नीतू ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने बोला कि इनका एक्सरे कर लिया है, हो सकता है हेलन फ्रैक्चर हो, लेकिन यार वो सब ठीक है। लेकिन मम्मी यार, मम्मी बहुत बुला लेंगे मम्मी इसको। कोई बात नहीं, अभी नहीं बुला रही, ऐसी हालत में कैसे जाएगी? चल तू आ। बोलना तुम्हारे एक्सरे वाली रिपोर्ट कब तक आ रही है? कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। क्रैक तो नहीं हो कोई बोन? बस यही प्रे कर भगवान से, ठीक है? नो यार किसकी मदद हो गई? लेकिन अब ब्लॉगिंग मत करना यार, बंद कर दो। क्या ब्लॉगिंग मत करो यार। देखिए देख मैं ब्लॉग में क्या दिखा रहा हूँ, पागल वो नहीं दिखा रहा है। देखती रहे आइसक्रीम लिया है मैं फेवरेट वाली, ले मैं नहीं खा। इसको खिलाओ ना, इसको खा के बैठी है। उसके बाद सबसे पहले घर आता है, आइसक्रीम ही मांगी है। कितने बजे आना है डॉक्टर के पास? तो शाम को चलेंगे, पहले रिपोर्ट आ जाते, 5 बजे रिपोर्ट आ जाएगी। आ जा तू। 5 बजे तक रिपोर्ट आएगी? हाँ अभी 2:30 बजे तक। जल्दी नहीं, मैं चेंज करके आ रही हूँ, ठीक है? तो मैंने अपना व्लॉगिंग कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया था। मुझे नहीं पता कैसा आ रहा हूँ, कैसा नहीं आ रहा होगा, आवाज़ आ रही होगी या नहीं। वो बाहर चली गई चेंज करके, और अब मैं जा रही हूँ। अभी हम इसका आगे का प्लान करते हैं कि क्या करेंगे, कब उसको बताएंगे, क्योंकि वो शायद मम्मी को कॉल ना कर दे। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि मतलब हमें एक चीज़ अभी छुपा के रहना कि मम्मी को अलग से मैं कॉल करना चाहती हूँ, मम्मी के सामने में प्रैंक करना चाहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अभी छुपा रखा है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है। तो रोहित क्या है? ये रहना है। हाँ। ये तो ये रहना का हाउस है। हाँ। ये तुषार का हाउस है। अच्छा या तुषार देखेगा, ये पड़ोसी है। अच्छा। बचपन से साथ रहे हैं, ये पड़ोसी है, वही बता रहा था एक बारी। वेरी गुड वेरी गुड। मैं मम्मी को वीडियो कॉल करने जा रही हूँ और देखते हैं कि वो क्या कहती हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, वो मानती है नहीं मेरे प्रैंक को या नहीं। प्रैंक कर रही हूँ मम्मी पे भी, फोन नहीं उठा रही हैं। मम्मी फ़ोन नहीं उठाती, क्योंकि मैं मम्मी का फ़ोन नहीं उठाती, इसलिए मम्मी मेरा फ़ोन नहीं उठाती। वैसे वर्षा वैसा वैसा उठाओ यार मम्मी। पोपट ही हो गया सच में मेरा। अरे यार मम्मी ऑफिस अभी की शिफ्ट है, मम्मी की सुबह की शिफ्ट है, मुझे इतना भी याद नहीं है यार, बड़ी बेकार हूँ मैं। हाँ अभी की शिफ्ट है, अभी की शिफ्ट है। हाँ क्योंकि सुबह तो मम्मी से बात की थी निकलने, तो मैंने देखा था करते थे। मैं लेटे लेटे हो चुकी बिल्कुल बोर। मैं जाके वहाँ बैठती हूँ, थोड़ा सा बातचीत तो हो, बस आई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारा आई कॉन्टैक्ट होता है मैं हंस पड़ूंगी। तो चल सैंडी थोड़ा चुपके बनाइयो। हाँ ये बना लियो, बोलूँगी कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल ब्लॉग बना रही हूँ जैसे मैं डेली ब्लॉग करती हूँ। ऐसा मैं कैसे वो दिखा पहले मैं ऐसे देखिए दिखा नहीं, ऐसे ऐसे ठीक है। ऐसा लग रहा है जो पैर सही है उसमें चोट लगी है और दूसरे वाले से चल रही है। ए भगवान क्या, देख इसको रखती हूँ, दूसरे वाले को ढीला छोड़ जिसमें चोट लगी है। अच्छा ऐसे चलो। हाँ ये ठीक है। हाँ ये परफेक्ट। भगवान मुझे तो बिल्कुल भी समझ आया, ये ठीक है ना, माफ करना भगवान ऐसे प्रैंक के लिए। क्या बातें कर रहे हैं, पता नहीं है आज तो। अरे हेलो, आ जाओ आ जाओ, कुछ वीडियो बनाएंगे आ जाओ। हाँ मम्मी को फोन किया था मैंने, मम्मी भी कह रही थी कहाँ लगे थे। अच्छा कॉन्टेंट मिस ना हो जाए, ब्लॉग जरूर बताओ। हाँ ब्लॉग यार मम्मी को भी लिया ना, मैंने थोड़ा देख ली थी। इसका भी मतलब यही हाल है भाई, अगर कुछ भी हो जाए तो पहले ब्लॉग बनाओ, उसके बाकी सारी चीज़ बात की। दिखा दिखा मैं सोच रही हूँ इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, इस लेके जाने वाली डॉक्टर के पास। क्या हो गया दिखा, खून भी निकला तेरे। दिखा आराम से आराम से दिखा तो। अरे यार पैर देख ले तो, उसमें चोट लग रही है ना मेरे। पूरे में आराम से रख ले। अरे तेरा तो पैर आराम से रख ले, भी इसको नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। अबे तेरे पीछे पता चला, लगन ने बताया मुझे। ओए मैंने बताया तुझे? लगन यार शाम तक खींच रहा था। नीतू तुमने तो बताया मुझे, मुझे कैसे पता चलता? कुछ नहीं नाटक हो रहे, देखो प्लास्टर में कौन सा खून निकलता है, ये तो रोहित का होता है। यार ये गलत बात है यार, तूने तुम तेरी तो ना हेल्प करने हो रहा है। मत कर मेरी हेल्प, झूठ बोल दो पहले तो तुम। ठीक है लगन ही हमारा प्लान था यार शाम को बताने का। मुझे इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा, मैं सोच रही थी यार क्या हो गया, अब हम वीडियोज नहीं बना पाएंगे। वीडियोस की पड़ी हुई है दीदी के, इतनी सारी चोटें लग गई उसकी एक बार जो मैंने बोल दिया। नहीं मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ, पर ये गलत हुआ यार मेरे साथ, गलत बात है। लेकिन यार मैं मम्मी को बोला, मैं डबल प्रैंक नहीं मम्मी के साथ करती हूँ मैं, इसके साथ तो सक्सेसफुली नहीं हुआ यार। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था, भी नहीं हुआ इसमें प्रैंक किए हुए। मैं वही बोलूँ, बाल खोल बोल के बड़ा प्लास्टर लगा के, बाल जो भी लड़की के बहुत अच्छे हैं हमारी, इतने मजबूत है टूटते भी नहीं है। अरे चल पूरा प्रैंक फेल हो गया तो अभी कोई नहीं खोल दो किसे। नहीं मम्मी के साथ करता हूं। नहीं 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 अभी तेरी 3 वीडियोस में नंदा भी की खींच देती हूं मैं। अबे यार ये तो गलत हो गया, बनाई नंदा भी है ना। हां तूने किससे लगाया ये सबने लगाया, सबने मिलके यार। 4 उल्टी पड़ गई मेरी तो तुम हॉस्पिटल में गई लगवाने? नहीं घर पे लगाया इन्होंने। हैं पुनीत को लगाओ भाई, शहंशाह बादशाह। पर मजा नहीं आया, चलो कोई नहीं मम्मी पे करके देखते हैं। प्रैंक करने के बाद हमने सोचा क्यों ना इसी में नंद भाभी बना दिया जाए, तो एक तीर से 2 निशान। बहुत गंदा प्रैंक किया है, मैं सच में रोने लग गई थी। हाँ ये रोने लग गई थी। ऐसे कभी किसी के साथ प्रैंक मत करो, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। भगवान ऐसे किसी के साथ ना हो, बस भगवान मजाक था, इस बार ही माफ कर देना। वीडियोस भी खूब बन गई है, प्रैंक भी हो गया, प्रैंक सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लखन, वो पिटेगा मुझसे। बाकी तो कोई बात नहीं, मम्मी के साथ कुछ दूसरा मस्त वाला प्रैंक करूँगी। तो मैं इसे काटती हूँ अभी। तो मम्मी ने फ़ोन उठाया नहीं, 2-3 बार ट्राई कर लिया। जब मम्मी ने मुझे कॉल किया तब मैं वीडियोस बना रही थी, तब मैं बात कर नहीं सकती थी, लेकिन अब मम्मी ऑफिस में है तो इसलिए मम्मी बिज़ी हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं इसे कट ही कर देती हूँ, बहुत टाइम हो गया, मेरे हाथ में खुजली भी होने लगी है, तो इसे मैं काट ही देती हूँ, आराम से निकल जाएगा। अरे काटने को डर लग रहा है मुझे, यहाँ से भी काटने हो रहे हैं। अरे वाह मम्मी की आ गई है वीडियो कॉल, सॉरी मम्मी की आ गई है ऑडियो कॉल। तो ट्राई करते हैं, क्या पता प्रैंक कर पाएँ। अभी तो पूरी तरह से निकला नहीं है, थोड़ा चिपका देती हूँ। हेलो हाँ हेलो मम्मी। हाँ मेरे हाथ में लग गई यार। कैसे? हाथ में और पैर में। मैं ना बुलेट से गिर गई। अच्छा दिखा। हाँ आप इतने नॉर्मली क्यों कह रहे हो, देखो मम्मी सच में मेरी पट्टी भी चढ़ी हुई है। अच्छा हाँ आपको यकीन नहीं हो रहा? वीडियो कॉल कर रहे हो? हाँ देख लो। वीडियो कॉल होने जा रही है, अगर ऐसे दिखेगी। हेलो बता दिखा। वीडियो कॉल क्यों नहीं आ रही? वीडियो पता क्यों नहीं आ रही? रुको दिखा। देखो ना सच में थप्पड़ को ना मुंह पे जैसे छिटला लगा। मैं मम्मी सच में देखो पैर में भी लगी है। दिखा हे भगवान ये देखो पैर में भी लगी है। तो बनकर वीडियो बना लेंगे, ठीक है? समझ गए आप मम्मी, बड़े समझदार हो आप तो यार सच में। भाई मम्मी समझ चुकी है, मम्मी उल्लू नहीं बन सकती। मम्मी बहुत समझदार हो आप सच में। मम्मी लग गई, चलिए मैंने दिखा था। अरे नीतू को उल्लू बना रही थी यार। आजा आजा निम्मी आजा। हैं नीतू नहीं बनी ना, लखन ने बता दिया उसको। किसको? नीतू को। किसने बताया? लखन। नीचे वीडियो बना रही है। चलो फिर बाद में ब्लॉगिंग करती हूँ बाकी की।